ये साला पुलिस को यहाँ पर किसने बुलाया? क्या रे? तुम लोगों ने पुलिस को बुलाया क्या? मुझे पागल क्यों नहीं करता है? मैं पुलिस को क्यों बुलाऊंगा? ये जो लाश पड़ी है सर, स्मगलिंग करते हुए मारा गया। खतरनाक क्रिमिनल था सर। ये मिश्रा, बिहार का भाई, और ये खान, तड़ीपार मुजरिम, और ये कांग्रेचुलेशंस। Very good, sir. Very good, my boy. Well done. Thank you, sir. Acting अच्छी कर लेते हो, हाँ? तुम इन गुंडों के साथ पिछले 1.5 साल से थे और तुमने ये ऑपरेशन कामयाब बनाया। आप ही की ट्रेनिंग का नतीजा है, सर। काम में बहुत खतरा था, पर देश के लिए जान हाजिर है, सर। Thank you very much. सर, ये तो ये मिस्टर एक्स मेरा इनफॉर्मर। हमारे डिपार्टमेंट का इनफॉर्मर और हम में से किसी को नहीं पता। By the way, मिस्टर विजय, सर, ऑपरेशन में मिली कामयाबी के बाद सभी डॉन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए गोवा चले जाओ। ओके सर। वो तो वहाँ भी मारा जा सकता है सर। इसे जाने दो, उन्हें मारने की कोशिश करने दो, और हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और फिर मैं उन्हें अरेस्ट करूँगा। क्या सर, आप तो सीरियस बातों को भी मजाक बना देते हैं। मजाक करना मेरी फितरत नहीं, एंड आई एम ऑलवेज सीरियस। इस झटके से उनके काले धंधे बंद हो जाएंगे और शायद इस गम में वो खुदकुशी भी कर लें। ऐसी कसरत मेरे हिसाब से आपको रोज करनी चाहिए भाई। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा करने से गर्दन और कमर की हड्डी बहुत मजबूत हो जाती है। अगर गड़बड़ हो गई तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है भाई। असंभव, मैं ब्रह्मा को चकमा देकर पैदा हुआ हूँ, इसलिए यम की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं होगा। लेकिन कमिश्नर की हिट लिस्ट में तो आपका नाम नंबर 1 पर है। और मुझे दूसरा नंबर अच्छा भी नहीं लगता। मौत भी जिससे कांपती है वो दरिंदा हूँ मैं। भाई मुझे तभी शक हुआ था जब धंधे में आपको पिछले 1.5 साल से नुकसान हो रहा था। वो अपुन के बीच इतने सालों से था, अपुन के गैंग के सारे राज जान गया था। वो साला पुलिस का खबरी था, अपुन को साला कभी पता ही नहीं चला। अबे के खाली डब्बे, वो खबरी हमारे बीच 1.5 साल से था, तुम्हें पता तक नहीं चला और उसी की तारीफ कर रहा है? भूल गया कि जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है उनका हमने क्या हश्र किया है? उसका भी वही हाल होगा, समझे? इस लफड़े को सिर्फ एक ही 30 मार खा सूझा सकता है। मेरा वकील कहां है? तुम तो सब कुछ जानते हो, बताओ आगे क्या करना है। भाई आप उस खबरी को टक्का क्यों नहीं देते? ए, अगर भाई उसे मारने जाएंगे, ये खबर कमिश्नर के कान में पड़ेगी तो वो तुरंत भाई को अरेस्ट कर लेगा, यही उसका प्लान है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एडवोकेट इज करेक्ट। मैं उस साले को अच्छी तरह से जानता हूँ, बुलेट्स भरकर गन्स तैयार होंगी, खोपड़ी के चिथड़े उड़ा देगा कमीना। और हम साले उस 2 कौड़ी के खबरी को क्यों टपकाए? बुलेट्स क्या फ्री में आती है क्या? अगर टपकाना ही है तो कमिश्नर को ही क्यों ना टपकाया है? भाई उसे भी क्यों मारे, वो भी तो एक अच्छा इंसान है। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो? तू उसका दोस्त है या मेरा? माना कि उसने आपके धंधे में लॉस पे लॉस करवाया है, पर उसी ने हमारे बिजनेस में हम लोगों को प्रॉफिट का एक नया रास्ता भी दिखाया है। वो कैसे? हमारा घाटा उसके इन्फॉर्मर की वजह से हुआ, वो भी 500 करोड़ का, बहुत बड़ा चूना लगाया। तो क्यों ना हम लोग भी अपना एक इन्फॉर्मर उनके बीच में भेजें, फिर देखना हमारा बिजनेस कितना फैलता है। क्या बात है, इसका मतलब हम भी हमारा एक बंदा उनके बीच क्राइम ब्रांच भेजेंगे। लेकिन आप सबके नाम मोस्ट वांटेड के लिस्ट में, आप सबके बायोडाटा पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। पुलिस की शातिर आंखों में भी जो धूल झोंक सके, हमें ऐसे शख्स को फौरन ढूंढना होगा जो दिमाग से ही क्रिमिनल हो और जिसके खून में 420 हो, जिसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ना हो। ऐसे ही किसी शख्स को पुलिस बनाकर क्राइम ब्रांच में प्लांट करना होगा। तो इस काम के लिए चाहिए
एक इंसान जो है खतरनाक। मुझे नहीं मालूम, उस समय से पूछो। बच्चे की तरह रोता क्या रहता है? हाँ मार निकाल, टाइम खटी मत कर तू। ला देना। चलो बट ले यहाँ से। ए, दास कहाँ पर मिलेगा? दास चाहिए, शाम को 5 बजे वो उठता है। रात को 10 बजे वाइन शॉप, रात भर पी के सुबह सोता है। अभी टाइम क्या हुआ? 5:30। इस वक्त वो टॉयलेट में हल्का हो रहा होगा। ए दास के बच्चे, क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। डाउनलोडिंग चल रही है, बहुत प्रेशर है। जाओ साले को बाहर घसीट कर ला। भाई पानी लेके जाना भूल गया था। छोटे वो देख धुआं। भाई जिसके पंच में इतना दम है उसका हम क्या उखाड़ लेंगे? इंसान के जीवन में यही तो सुकून और खुशी का आधा घंटा होता है। Why disturbing फोकट का गुरु? मैं नहीं था तो तूने मेरी दुकानों में तोड़फोड़ की, नुकसान किया 20,000 का, भरपाई कौन करेगा? No, you late, वो पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दिया, बैंक का शटर भी डाउन हो गया। ए, मेरे से पंगा मत ले, पैसा वसूल करने के लिए तेरी किडनी भी निकाल सकता हूँ। यू निकालिंग अपन की किडनी? खजूर के निचले हिस्से। आजा 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 आजा। ए भाग कर रहा है। टाइम क्या हुआ? 6:30। आई गोइंग जॉगिंग। ए चलो पकड़ो उसे। निकल ले भाई, हिट जा मैं। साले अमावस के चांद। चले साले। ये खास 2.5 किलो का मौका। अबे तेरे को पता नहीं मैं फुटबॉल टीम का कैप्टन था? मेरा सिंहासन। आ बेटा चल तेरी माँ का। मानना और मानना। साले 15 साल पहले तेरे पास एक दुकान थी, अब तेरे पास 10 दुकानें, 4 जीप, 2 रखेले। साले तेरा पेट है कि कुआं, इसमें जितना डालो भरता ही नहीं। गेंडे हमारा ही छफ्ता खाकर हमें ही गुंडागर्दी दिखाता है। अबे काले नाग, जिसने दूध पिलाया उसी को बाइटिंग। ये थप्पड़ के गूंज मुझे याद रहेगी, तो साला दोबारा मैं फिर दिखाता हूँ।
लेने का, टेंशन न लेने का, ना देने का, दुनिया जो बोले सो बोले रे बाबा, अपन दोस्तों के संग जम के पीने का, मेरी तो हर आदा सबसे है जुदा, मुझ पे हर कोई फिदा 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 सूरत में भी कोई मुझसा तो और ना दिखे गुड़िया दीवानी मेरी मुझ पे नजरों से वार ये करे जाओ जा कहीं भी मैं ये मेरे पीछे पीछे ही चले डांस करता हूँ मैं हीरो भी क्या करे सारे कहते मुझे स्टार जैसा लगे स्टेप पे मेरी स्टाइल पे मेरी सबके ही दिल लुटे लुटे अपना तो फंडा मस्ती में जीने का टेंशन न लेने का ना देने का चर्चा तो मेरा ही चले लो चाहो अगर कोई किधर भी तो सेटलमेंट मेरा ही चले सबके दिलों पर भी अब राज भी तो मेरा ही चले मैं वो करूं मेरी जो मर्जी ये दिल ना किसी की भी सुने मुझसे टकराया जो वो गया जान से मुझसे उलझा है जो वो गया काम से अरे मुझसे मंगा जो भी लेगा से वो उठे उठे अपना तो फंडा मस्ती में जीने का टेंशन ना लेने का ना देने का दुनिया जो बोले सो बोले रे बाबा अपन दोस्तों के संग जम के पीने का महिला क्या आइटम है पिघल गया था मैं वहां खड़ा खड़ा इसीलिए तो तेरे पास आकर बैठा हूँ मेरी दही वड़ा भर दे मेरे प्यार का घड़ा दिल में हो रहे लाए लफड़ा थर्टी सिक्स उफ ये फिगर अगर मेरा हो जाए तो बाइक में पीछे बिठा के घुमाऊंगा इसे हर नगर उड़ी बाबा आउच कौन से साबुन से नहाती होगी एक्सक्यूज मी क्या है तुम बहुत ही लकी हो क्यों क्योंकि दास तुम्हारे पास है वो कौन है मैं छू इडियट वो भी मैं छू सोचा था क्या 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 हो गया बेटा पूरा बाप पर गया है पापा कैसा है मेरा बेटा मैं फिट एंड फैट हूँ आपके होते हुए मुझे क्या तकलीफ होगी करोड़ों की प्रॉपर्टी लाखों का सोना तुमने करिंग मेरे नाम ना इसलिए आवारगी करते रहता हूँ खुद तो लाइफ में कुछ कर नहीं सके और मेरे लाइफ की वाट लगाई यू माय फटीचर करोड़पति बाप तो फिर मुझे जली कटी सुनाने आ गया अपने बाप की थोड़ी तो इज्जत कर इज्जत चाहिए मुझसे दुनिया में आकर मैंने आपको बाप बनाया आपने मुझे क्या बनाया दो सूखे निवाले देकर कहा थाली चाट चाट कर खाओ इसमें मेरी कोई गलती नहीं
मेरी ख्वाहिश थी तुझे मैट्रिक पास देखूं, पर तुझे ही थाली चाटने का शौक था मेरे भुक्खड़ पेटू लाल। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने MBBS की है। गवर्नमेंट को चुना लगाकर नकली नोट छापकर आप यहाँ हैं। तू मेरा बाप यक्कू। साथ की नोट ही मिली थी तुम्हें छापने के लिए। बचपन से मुझ में कुछ अलग करने का कीड़ा था। तुमने मुझे पैदा क्यों किया? कंट्रोल करना चाहिए था। निरोध लगाओ, निरोध लगाओ। गवर्नमेंट इतना प्रचार करती है, तुमको सुनाई नहीं दिया? उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन आपने मुझे शाहरुख खान जैसा, आमिर खान जैसा चिकना क्यों नहीं बनाया? चिकनाई में लोग फिसल जाते हैं बेटा, मुझे तो तुझे अपने जैसा बनाना। पता है तुम्हें, एक हूर की परी ने आपके लाल को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, मुझे भी बहुत सी लड़कियों ने रिजेक्ट किया। क्या ढीला कैरेक्टर वाला बाप मिला है मेरे को। कितना माल है जेब में? चक्की पीसने और पत्थर तोड़ने के बदले में मुझे ये 100 रुपए का नोट ही मिला है। 100 रुपीज फ्रॉम माय हैंडल। अरे तुझे पता नहीं मैं बड़े बड़ों को चूना लगा चुका हूँ, फिर तू क्या चीज है? ए, ले जा रहे हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। बाप ने अच्छी शिंडी लगाई। 100 रुपीज देते वक्त अपुन की अंगूठी चुरा ली। क्या बाप मिला है भाई। वो देखो दास, काला नाग रिटर्न। भाई गलती से मिस्टेक हो गया। तूने तो बाहर डाला रे। कुछ नहीं किया मैंने। आई डूइंग नथिंग। आत्महत्या, मेरा चाकू नहीं था, उसी का था। बेचारे को दफनाना, चीकू को खिला देना या डुबा देना। बच गया। सबकी शक्लें देखो, छठे हुए बदमाश लगते हैं। कहां मुझ जैसे चॉकलेट हीरो को इनके बीच में डाल दिया। नाम क्या है? दास। कौन सा दास है? कालिदास है, देवदास है या हमेशा उदास है? सिर्फ दास। पढ़ाई की है? 10वीं फेल हूँ। मैं पास हूँ। 10वीं? छठवीं। पास हो फेल हो क्या फर्क पड़ता है? साइलेंस। नाम क्या है तेरा? कालिया। और बाप का नाम क्या है? मालिया। तू क्या माइला? इंकलाब जिंदाबाद। साले तू देश में इंकलाब लाएगा। नाम क्या है? दास। पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं फेल है। ए छोटू जरा सामने आ, बहुत छाना बनता है। चल बता अपने बारे में। अपुन का दिमाग एकदम हटेल है। अपुन के सामने अच्छे अच्छे की फटती है। अपुन को जाने दे बेड़ो। अब मैं तुझे दुनिया से हटाता हूँ। भाई लोग तो मजाक भी नहीं समझते। सर ये अपने इलाके का बहुत मशहूर लोफर है। कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ छेड़ता रहता है, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस स्टेशन भी बाप से मिलने जाता है। इसे अंदर ले आओ, बाकियों को जाने दो। इंडिया में जब 5:30 बजते हैं, अच्छा तो लंदन में क्या टाइम होगा? अपुन को लगता है लंदन का टाइम होगा 12। करेक्ट। ये ले, इस पेपर में अपना नाम लिख। लिख साले, इंग्लिश में लिख। ए मम्मी। अपना असली नाम लिखा है। एनीवे स्पेलिंग इज करेक्ट। पास। ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट में पास। ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या ओरल टेस्ट रिटन टेस्ट लगा रखा है? तुम लोग करवाना क्या चाहते हो मुझसे? 10वीं तक पढ़ाना चाहते। क्या? स्कूल जाकर पढ़ना होगा। मैं 10वीं पढ़ूंगा स्कूल में जाकर? एजुकेशनल मिनिस्टर क्या तुम्हारा बाप है? जब चाहे मेरा एडमिशन करवा सकते हो? क्रू ढीला है क्या तुम सबका? दिमाग थक गया है इसका, नींद की जरूरत है इसे। तो तुम सब क्या लोरी गाओगे? लोरी या तो कोई फिल्मी गाना। नहीं, तुझे टैबलेट देंगे। मुंह खोलू? आ दूसरे स्टाइल में। मेरे 100 रुपए वापस दे। अरे बाप रे, सुबह सुबह साला किसका मुंह देख लिया। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। हेलो, हाउ डू यू डू, माचिस यू हैविंग? अरे साला ये क्या नया फंडा? ये तो एग्जैक्ट माय जेरोक्स कॉपी। बाप का जरूर कोई दूसरा चक्कर था। अरे बेटा दास, तेरा थोबड़ा क्यों हो गया उदास? उन साले कमीने कुत्तों ने तेरे चेहरे का हुलिया बदल दिया। कितना हैंडसम था तू, थोबड़ा चमकता था। यहाँ बहुत खतरा है, क्या करूं? सुन दास, कल्टी मार। अरे दिवाली नहीं है, फटाके कौन फोड़ रहा है? उतर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं नहीं, नहीं। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? इधर आना। अरे छोड़ो मुझे, 1.5 महीने पहले ही तो नया था।
अबे उठ जा आलसी। अबे उठ जा कुंभकर्ण के औलाद। फर्स्ट स्टूडेंट का डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। बेहुदा हरकतें बंद करो, जो कहा जाए उतना ही करो, स्कूल यूनिफॉर्म पहनो। तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? अपन स्कूल नहीं जाएगा, अपने बाप ने भी कभी इतनी जोर जबरदस्ती नहीं की। साले से बात करता है। स्टूडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें वैन में स्कूल ले जाया जाएगा, इस तरह। जिंदा जी करो। कुछ याद आया? वो अभी भी जिंदा है, डॉक्टर का कहना है बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खबर अच्छी है सर। अगर तुम स्कूल गए तो खुश रहोगे, और अगर तुम स्कूल नहीं गए तो उसे मार दिया जाएगा और मुकदमा तुम पर चलेगा। तुम 14 साल के लिए जेल जाना चाहोगे या 1 साल के लिए स्कूल? बोलो। स्कूल जाते ही वहाँ से भाग जाऊंगा। सोचता है स्कूल जाकर वहाँ से भाग जाएगा। फिर तो और भी मुश्किल होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ हर समय बौना टाइगर होगा। स्कूल में टाइगर आएगा तो सबको खाने जाएगा। टाइगर? यस सर, टाइगर ऑन ड्यूटी सर। ये क्यों आया जब अपने टाइगर को बुलाया? यही है वो बौना टाइगर। ये तो रास्ते का कुत्ता लगता है। तुम मेरी ताकत नहीं जानते। डर गया यार। टाइगर सर, तुम अपनी ड्यूटी जानते हो ना? यस सर, बिना पलक झपका इसकी पहरेदारी करना, बिल्कुल लेस होना, दैट इज माय ड्यूटी सर। अगर कोई भी चूक हुई तो उसकी सजा भी जानते हो ना? हाँ सर जानता हूँ, फिलहाल इसे स्कूल लेके जाता हूँ। टाइगर। क्या है? ऐसा लग रहा है तुम मुझे स्कूल नहीं हॉस्पिटल ले जा रहे हो। क्यों मेरी बैंड बजा रहे हो? खुल जा। मुच्छर, ये पढ़ाना क्यों चाहते हैं मुझे? नहीं बताऊंगा। बोलना मुन्ना। लगा रहा है मुझे चुनना। पढ़कर मैं कौन सा तीर मार लूंगा? यहाँ तो टॉयलेट जाने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। स्कूल नहीं जाएगा तो बाकी तो जुआ खेलेगा। वो देख जब उसकी तरह बड़ा सांड हो जाएगा तब जाएगा स्कूल। पूरा बाप पर गया है, स्कूल नहीं जाना चाहता। हाँ तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी जान चली जाए तब भी नहीं। हाँ जरूर जाऊंगा। मैंने कहा था ना पंगा मत लो गर्ल से, अब गेट से जो भी पहले अंदर आएगा गिरा देना उसे। ऊपर वाले मेरे बचने से बचा लेना। हेडमास्टर आ रहे हैं, अब क्या करूं? एक्सक्यूज मी, एपी मॉडल स्कूल का एड्रेस जरा बताओगे? व्हाई नॉट, श्योर। क्या पुलक्कड़ प्रिंसिपल है। इस रास्ते पर सीधे चले जाइए, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, फिर सीधे जाकर राइट, फिर राइट, वहाँ आपको एपी मॉडल स्कूल का बोर्ड दिखेगा। ओह, वेरी इजी एड्रेस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अरे इसने तो हेडमास्टर को उल्लू बनाकर वापस भेज दिया। ये तो चीटिंग है, अब जो भी आए तुम्हें उसे गिराना ही होगा। भागो, सतीश नारायण मत बुलाओ, अपनी अपनी नाक बचा के। मेरे आने से स्कूल में तहलका मच जाता है, जैसे शेर की एंट्री होते ही सारे गीदड़ भाग जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing here? Go to class. इस बार no excuse. Useless fellow. चल तू आई बला को टाल तू। ये आधे रास्ते अटक कैसे गया? मैं नहीं हूँ सुपरमैन। अरे सड़ू शाणा पांडू, इज्जत का बाल उदा कर दिया यार। तू तो दो बच्चे का बाप लग रहा है। कौन शाणा पांडू, कौन हो तुम? अरे शाणा पांडू मुझे भूल गया तू, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरे सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे, पर तूने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? बेवकूफ,
यूनिफॉर्म मैं क्यों पहनूं? स्टूडेंट्स पहनते हैं। मैं मैथ का लेक्चरर हूं। MAMED सतीश सतीश सतीश। वही उंगली से गंदी स्मेल आ रही है। तू ये मेरा शाना पांडू। शाना पांडू शाना पांडू कौन है ये शाना पांडू? तुम कौन हो? मैं 10वीं का स्टूडेंट हूं। मजाक मजाक में थोड़ा पढ़ लिख लूंगा। इतनी बड़ी उम्र में? अरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तुम बड़े हो चुके हो फिर भी अनपढ़ हो। शर्म नहीं आती? कितनी बार फेल हो चुके हो? इडियटरी नॉनसेंसिकल चैप्टर। इंग्लिश में मुझे झाड़ रहे हो पर स्कूल में तुम कच्चा पापड़ थे। ये शाना पांडू, तुम्हारे पिछवाड़े पर वो गंदा सा दाग अभी भी है ना। मैं तुम्हें तब तक सताऊंगा जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि तुम ही शाना पांडू हो। मेरी इज्जत का भरता बना दिया। बाप की जगह है, चल हट। अंकल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज कहीं और जाओ। अंकल ये गोलगप्पे, चल हट मुझे बैठने दे। अरे अंकल होगा तेरा बाप। ये पेले का स्क्वायर कट, ये मैराडोना का बाउंसर, ये रोनाल्डो का LBW और बेकम का व्हाइट बॉल पे फोर। बाहर निकालो इसे। क्लासरूम में स्टूडेंट को फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए। क्लासरूम में क्या, अब तो मैं अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल नहीं खेलूंगा, ग्राउंड पर जाकर भी नहीं। बहुत खूब कर, अच्छा ध्यान रख रहे। ये तीलियां क्यों लगाई आंखों? ताकि मैं इसके ऊपर खुली आंखों से तो क्या बंद आंखों से भी नजर रख सकूं। वेरी गुड माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वर्ल्ड जियोग्राफी। कौन सी जियोग्राफी पढ़ रहे हो तुम? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। मैं दुनिया घूम चुका हूँ, मेरे लिए आपके सवाल बहुत ही आसान है मैडम। यहाँ पर आओ। इस वर्ल्ड मैप में भारत देश कहाँ है? मैडम भारत माता मेरे दिल में है, मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता। पर मैं तुम पर ये छड़ी जरूर उठा सकती हूँ। ठीक है बताओ श्रीलंका कहाँ पर है? जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिलती मैं आपको किसी भी देश के बारे में नहीं बताऊंगा। आजादी नहीं मिलती? 1947 में आजादी मिल गई थी। आजादी मिल गई? साला मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं की? 1947 में आजादी मिल गई? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था मैडम। पैदा होकर तुम धरती पर बोझ हो, स्कूल में रोज लेट आते हो, एडमिशन भी लेट लिया, बाहर नील डाउन करो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। क्वाइट एवरीबॉडी। क्या रे गोलगप्पे, भारत कब आजाद हुआ मालूम नहीं? भारत को तो प्रिंसिपल सर ने पनिश किया हुआ है, वो बुलक्कड़ उसे कब आजाद करेगा मुझे क्या मालूम। तेरा जनरल नॉलेज तो अपन से भी अच्छा है। मुन्नी की जवानी यहाँ पर? हमारी ड्राइंग टीचर चांदनी। ड्राइंग टीचर? ड्राइंग टीचर की सारी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तुम यहाँ स्कूल में कैसे? जानू मैं तो यहाँ ही हूँ, लेकिन तुम मेरा पीछा करते करते आ गई। मेरा मुखड़ा ही कुछ ऐसा है। ड्राइंग टीचर, मेरे दिल कलेजे फेफड़े लीवर का ले गए चैन। अपनी भाभी को छोड़। भाभी होगी तेरी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ा। हाँ, तो पकड़ो ना, मैं भी कब से बेकरार बैठा हूँ। जिस्म है कि मक्खन। ओ जाने वाली, प्यार की ड्राइंग पूरी करके तो जाओ। जी? हाँ, काफी हल्का हो गया, मजा आ गया। इतनी हवा क्यों लग रही है? ओ मैं अपनी पैंट अंदर ही भूल आया। टीचर लाल घड़ी मैदान। व्हाट सर, व्हाट इज दिस अनप्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? कोई भी डोनेशन देकर आ जाता है?
उसकी उम्र देखिए, जबान देखिए, लड़की से बात करने की तमीज नहीं, फ्लॉट है। शांत हो जाओ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि किसी को कंट्रोल नहीं होता। कोई भी आता है कुछ भी कह जाता है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं। स्कूल में भी घर जैसा ही हाल है। मेरी प्रिय रूप की रानी, भर दे मेरे घड़े का पानी। ड्राइंग टीचर चांदनी, तुम हो नदी का एक किनारा और मैं आशिक का फवारा। वेरी गुड। गाने लगे हैं तुम्हारा ही गीत सभी चेहरे, मेरे साथ अंधे गूंगे और बहरे। समंदर किनारे गिनेंगे केकड़े, खारे पानी में डुबो कर खाएंगे मछलियों की किडनी, लीवर और फेफड़े। मजा नहीं लाइफ। जी, हमेशा उत्पटांग हरकतें करता रहता है, मवाली कहेगा। उससे बड़ा बदतमीज मैंने आज तक नहीं देखा। भोंदू जैसी शक्ल और चूहे जैसी अकल। चप्पल से मारना चाहिए उसे। I'm sorry. आप उसकी गलती के लिए सॉरी क्यों कह रहे हैं? पता नहीं क्या होगा स्कूल का, प्रिंसिपल भी किसी काम के नहीं। समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को एडमिशन मिल कैसे जाती है। आप किसी और की बात कर रही हैं? Excuse me. देखिए, ये बंदर यहाँ भी आ गया। आप ही बताइए, इसका स्टाफ रूम में भला क्या काम है? आप रिलैक्स कीजिए मैडम, ये नाची संभाल लेगा। अरे शाना पांडू, तू स्लो मोशन में क्यों चल रहा था? क्योंकि तू फास्ट मोशन में चल रहा है। दास बेटू। शाना पांडू। यहाँ? कहाँ? आना। यहाँ क्या? आओ बैठो, बैठो ना, कुर्सी लो, बैठो। बैठ रहे? हाँ। गुड बॉय। बैठो, 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 बैठो। चाहिए तो पैर उठा लो। तुम कितने अच्छे हो। उठा लो ना। देखो, उठा के ये रखो। How misbehave you today with beautiful Chandani madam? वही बदबू है, वही। Shame to shame, मेरा शाना पांडू। एक बार मुझे अपनी कमसिन बॉडी का वो धब्बा दिखा दे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, यही रुको, अभी सबक सिखाता हूँ। मिस्टर सतीश, एक हैंडसम स्टूडेंट स्टाफ रूम में आ क्यों नहीं सकता, बताओ? यस टीचर, मैं दिल से आपको चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये टीचर भी मुझे पढ़ाए ताकि मैं दिल से आगे बढ़ूँ। डोंट वरी दास, हम तीनों है ना, तुम्हें एक एक करके पढ़ाएंगे, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर बनता है क्या टीचर? A square plus B square plus 2AB. I want 2 baby. You naughty. You dirty. इतने बड़े आदमी को स्टूडेंट की तरह पढ़ाना कितना बेकार लगेगा। छी, इतनी छोटी टीचर से पढ़ना कितना अच्छा लगेगा। What is going on here? I want to know, सारी टीचर्स यहाँ आराम क्यों कर रही हैं? सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इतनी सारी टीचर्स की क्या जरूरत है? तो मेरी ऑफिस में आओ। She is good. चलो साथ में पढ़ाते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, बाकी क्या अंगूठा चूसने गए? ये सवाल आप इसी से क्यों नहीं पूछ लेते? By the way, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, बहुत जोर की लगी थी इसलिए टॉयलेट करने आ गया। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मुझे भी हल्का। ये तो भूलने की हद हो गई। छी। अबे तेरी तो दूसरी बार पीछे से वार किया है तुमने। तुम्हें टपकाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर जब मारूंगा तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स भूल जा। क्यों बे शाणे, खुद को क्लास का हीरो समझता है? पंगा मत लेना मुझसे। मुझे लगा तुम उन लोगों को धोगे, मुझसे भी बड़े फट्टू निकले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सिट डाउन, गिव मी योर अटेंडेंस प्लीज।
वर्षा प्रेजेंट टीचर हैरी प्रेजेंट टीचर दास यस टीचर मैं बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करती हूँ पांच मिनट में वो ड्रॉ करके मुझे दिखाओ ओके नहीं फिर से शुरू मत होना दासु एक बार इसे टच कर लूं ओनली वंस ओनली वंस स्टॉप हाँ गुड लेट मी सी ओके दैट्स गुड व्हाट्स दिस बस के सारे पार्ट्स ऐसे अलग क्यों हैं जब तक मैं उन्हें समेटता टाइम पूरा हो चुका था और बीच में ये मोटू कौन है टीचर ये तो मैं हूँ उल्लासनगर का फेमस हीरो इसकी फ्रेम बना लेना स्टैंड अप शो क्या वेयर योर ड्राइंग ये रहा ना टीचर व्हाट डिड आई टेल यू टू ड्रॉ बस और बस के इंतजार में खड़े लोग अच्छा इसमें लोग कहाँ हैं लोग बस में चढ़ गए और बस कहाँ है कंडक्टर ने घंटी बजाई तो बस चली गई हाथ आगे करो गुड ड्राइंग ना चॉकलेट देंगी ना बोला वो करो एक्सक्यूज मी टीचर ये स्टूडेंट आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना ये लड़का क्लास में मिसबिहेव करता है और ड्राइंग भी नहीं बना रहा यू डोंट वरी मैं हूँ ना लेट मी निपट विथ हिम आई एम ज्यादा होशियारी की तो सारे राज खोल यू रिस्पेक्ट बट डोंट एक्सपेक्ट मैं शाना पांडू नहीं हूँ मैं सतीश हूँ सतीश सर तुम स्टूडेंट हो और मैं टीचर मुझे अपने पिछोड़े का निशान दिखाओ ये क्या बोल रहा है पीछे का नाड़ा कुछ लोग पीछे बांधते हैं तो कुछ लोग आगे भी बांधते हैं पीछे का नाड़ा पागल है कहीं भी कुछ भी बोलता है बिल्कुल अकल नहीं है मस्ती मजाक बहुत हो गया अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो हाँ पूछो चांदनी मैडम ने तुम्हें क्या ड्रॉ करने को कहा था बस और बस के इंतजार में खड़े लोग क्या आपने यही कहा था देखा आगे ना लाइन पे लोग कहाँ हैं बस में चढ़ गए पहले लाइन में खड़े थे अब बस पे चढ़ गए अभी इसे उसी बस का कंडक्टर बनाता हूँ दास बेटू बस कहाँ गायब हो गई कंडक्टर ने घंटी बजाई तो बस चली गई ना मतलब बस सचमुच चली गई हाँ तो क्या तुम्हारे लिए रुकती जाते हुए दिखी क्यों नहीं मुझे क्या ये मेरी गलती है तुम्हारी गलती है तुम हमेशा लेट आते हो दस मिनट पहले आते तो दिखती ना अब मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए वरना ये मेरे पिछवाड़े का पोल खोल देगा इट्स ओके आई एम सॉरी टीचर मुझे बस के टाइमिंग्स पता नहीं क्योंकि मैं बस में सफर नहीं करता ना पर कल से बस के टाइमिंग्स मालूम करके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ओके सी यू टीचर मेरा दिल कोरा कागज है इस पर आपका प्यार का रंग भर दो ना इससे तुम्हें सस्पेंड करवा के रहूंगी जानते हो होमवर्क पूरा ना करने पर स्टूडेंट को क्या सजा मिलती है कल सुबह तक तुम्हें ऑडिटोरियम की पूरी दीवार पेंट करनी है ये तुम्हारी पनिशमेंट है नहीं तो स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगी समझे ये सारे स्टूडेंट्स इस तरफ आगे क्यों चले जा रहे हैं आज 15 अगस्त है क्या बहुत बढ़िया बनाया हमने सब लोग तारीफ कर रहे हैं देखो दास बेटू एक बात बोलूं ऐसा लगता है ये पेंटिंग नहीं गाय का गोबर है गाय दीवार पर गोबर कैसे निकालेगी लगता है इस तरह स्टूपिड गोभी का फूल जानू इस पिक्चर में वो लड़का मैं हूँ और लड़की तुम हो और शादी के बाद हम जहाँ हनीमून पर जाएंगे वो ये जगह है अगर तुम लोग हनीमून पे आए हो तो मुझे क्यों बुलाया कितना बेहुदा ड्राइंग है मीनिंगलेस आर्ट
सस्पेंड। सॉरी मैडम, मैंने क्या गलती की है? आप मुझे सस्पेंड क्यों कर रही हैं? हो, आपको इसको सस्पेंड करना है सर। मैं कौन होता हूँ सस्पेंड करने वाला? सब क्लास में जाओ। क्या करे, चलो। टीचर, इस पेंटिंग में तो बेबी बनी हुई है। वंडरफुल। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत पेंटिंग कभी नहीं देखी। टीचर, तुमने इसकी बहुत बुराई की है। ड्राइंग की बारी क्या, तुम इससे बाजू हटो यार, तुम इससे सीखो। जानू, हनीमून जाने से पहले ही ऊपर वाले ने हमें एक अच्छी सी बेबी दे दी। एक बड़ी सी टीचर को वो नहीं दिखा जो एक छोटी सी बच्ची को दिखा। याद रखना, हमेशा आर्ट को हार्ट से देखना। दास हो गया ना पास। इससे बड़ा सुकून और कुछ नहीं। हल्का हल्का लग। क्या कर रहा है शाला बालू? अपनी जवानी में हार्ट अटैक दोगे क्या? आज तो मैं वो देख कर रहूंगा। जल्दी दिखाओ। मैंने कभी नहीं दिखाऊंगा। तुझे बचाने वाला कोई नहीं, मुझे दिखा दे दोस्ती के नाम पर। एक अरे ये कोई कुतुब मीनार है जो टूरिस्ट बनकर देखने आ जाते हो, बात करता है। पैंट के अंदर जो खजाना छुपा रखा है वो तो आज मैं देख कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत से मत खेलो। आज मैं अंडरवेयर पहनना भूल गया। कपड़े उतार के फेंक दूं। जल्दी मेरे राज का पर्दाफाश मत करो, नहीं दूर हटो। आज तो मैं खोल के ही रहूंगा। मेरी वाइफ बुरी हो गई। दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा। ओ सतीश, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम्हें यहाँ मुझे मिल गए। तुम्हारे लिए एक शॉकिंग न्यूज है, इसे सुनकर तुम्हें जोरदार शॉक लगेगा। इस बार टीचर्स डे के प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारे सर पे होंगी। प्रोग्राम शॉकिंग होना चाहिए, जिसे देखकर सब शॉक हो जाए। उन्हें इतना शौक लगे कि सब गाने लग जाएं। लगा 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 शौक लगा। दास, यहाँ आओ। टीचर ने होमवर्क दिया है, वो पूरा करना है। पहले यहाँ पर आओ, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। ये थकेले निकाल। क्या है ये? मुझसे क्या कहते हैं, टाइगर से पूछिए। टाइगर? यस सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। स्कूल में जो भी देखा वो सब मुझे बताओ। मैंने सब कुछ देखा सर, पर मैं आपको कैसे बताऊं, जो इन आँखों ने सहा है सर। दास जरा इसे दिखाओ। मर जाऊंगा लेकिन नहीं देखूंगा। दास दिखाओ। नहीं सर, नहीं नहीं सर, मुझे नहीं देखना सर। रिपोर्ट कार्ड? हाँ, 40 मतलब पास। वेरी गुड दास। अबे फट्टू, सब मिलाकर 40 मार्क्स है। इसका मतलब ये फेल हो गया सर। सुनो, उल्टा लटका दो इस टाइगर के बच्चे को और हर मार्क के लिए कोड़ा मारो। वाह क्या बात है, आप जितना ज्यादा इसे मारेंगे उतना ज्यादा मैं पढ़ूंगा, ले जाओ इसे। अरे मुझे मारना है तो मारो, लेकिन लुंगी तो नीचे करो। साइंस में 6, वाओ। मैथ में ओनली 0। थैंक यू दास। हिंदी में 26 है। ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि ये पढ़ाई करे? ट्यूशन लगवा दे तो? अच्छा आइडिया सर। टाइगर को बुलाओ। यस सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। टाइगर, तुम्हारे अंदर वाकई में बहुत हिम्मत है। थैंक यू सर, आपके लिए क्या करूं सर? दास के ट्यूशन के लिए कोई है जो उसे पढ़ाए और वो किसी तरह पास हो जाए? थिंक ऑफ द डेविल। मुझे डेविल याद आया सर। hey, उस डेविल को उठा लाओ यहाँ। इसकी आंखें क्यों बंद है? इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया है, इसलिए बेहोश है सर। चलो उठाओ उसे। छी 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 छी, अरे नींद से उठाओ। उठ साले। ए, तुम लोग किस टाइप के जानवर हो? यहाँ मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? तुम्हें किडनैप किया गया। किडनैप? अरे बता कर तो करना चाहिए था, 2 अंडरवेयर साथ ले लेता। लो, मेरे पास अंडरवेयर नहीं है, ये पूरा सूट पहन के बैठा है। मैं क्या पहन के बैठा हूँ ये बाद में बताऊंगा। तुम्हें एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ानी है ताकि किसी भी तरह से वो 10वीं की परीक्षा पास कर ले। सर, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स के होप्स बढ़ाए हैं जो बिल्कुल होपलेस केस थे सर। वैसे ये स्टूडेंट है कौन? शाला पांडू। कौन ये पागल? सर, अमेरिका के प्रेसिडेंट को उर्दू पढ़ा सकता हूँ, पर इसे पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। देखा, इसने तो बिना पढ़ाए ही मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। ना ये पढ़ा सकता है, ना लिखा सकता है, ना सिखा सकता है। ये पढ़ाएगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा।
टाइगर। यस सर, आई एम ऑन ड्यूटी सर। इस मुच्छड़ को कोई देखा है? टाइगर सर, मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूँ, अगर ये ठीक से पढ़े नहीं तो मार देना इसे। मार दे इसे। और अगर ये ठीक से पढ़ाए नहीं तो इसे मार देना। बढ़िया, मार दो इसे। और अगर ये ठीक से पढ़ नहीं पाया और ये ठीक से पढ़ा नहीं पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आप मार देंगे मुझे? ये गलत है, अगर टीचर ना पढ़ा पाए तो उसे ठोक देना चाहिए। नहीं ना। क्यों बे, लगे ना? इन दोनों की जिद का इलाज मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों को पटरी पर लाना होगा। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लोगे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगर ट्रेन आई तो हम दोनों को एक सेकंड में उखाड़ देगी। शाला मांडू, कितना अच्छा होगा ना, हम दोनों के ऊपर भी कंपनी रहेगी। टाइगर सर, ये ट्रेन कब तक आएगी? पहिए लोहे के होते हैं। और ट्रेन आई क्या? बस आने वाली है सर। बहुत हुआ, सवाल पूछना शुरू करो। चलो पूछो। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बोगी के कितने पहिए होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बोगी के कितने चक्के होते हैं? अब बस थोड़ी देर में ट्रेन आ रही है, मैं गिन के बता दूंगा, तब तक दूसरा सवाल पूछ। इसकी माँ का मामा, अबे जवाब देना मरवाएगा क्या मुझे? मेरी बीवी बच्चे भी नहीं है। अगर जवाब सही हुआ तो ही चाबी मिलेगी, वरना खुद की अर्थी पर खुद का ही गाना सुनना राम नाम सत्य है, मुर्गा बड़ा मस्त है। अरे कोई क्लू तो देना पांडू। और क्लू गेम में अलाउड है सर? वो पांच से ज्यादा है। इस क्लू से जवाब देना मुश्किल है। बता दे यार, मैं तुझे पिछवाड़े का निशान दिखाऊंगा। अरे पांच, अरे पांच नहीं, पांच नहीं, उससे ज्यादा। छः? अरे आगे भी तो बोलो, तुम पास आ रहे हो। भी पास आ रहे हो। आगे सात सारे नंबर बताएगा, सिर्फ वही नहीं बताएगा। पांच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, तो फिर आठ ही होगा पक्का। फेंको चाबी, खोलो ताला, मार डाला, मार डाला। जल्दी कर मेरे बाप आ रही है। एक दो तीन चार, सर उसने हमें गलत जवाब दिया सर, बोगी में तो चार ही चक्के हैं। बेवकूफ सर, उस तरफ के चार तेरा बाप गिनेगा। सॉरी सर। बात समझ में आ गई, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। हमारे देश में कई किस्म की जमीन पाई जाती है, कहीं काली मिट्टी है तो कहीं पे लाल। अच्छा। उनमें से कुछ पैदावार के लिए इस्तेमाल होती है तो कुछ ईंटें बनाने के लिए। उन जमीनों में काफी बिच्छू और लाल मकड़ियाँ होती है जो आपके शरीर को अलग अलग हिस्सों में काटती है। कितनी अच्छी तरह पढ़ा रहा है, ही इज वेरी गुड मास्टर। उल्लू का पट्टा बचपन से सर। अरे तुम्हारी वजह से दो घर जमीन के नीचे, ऐसी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप अपने लेसन से भटक रहे हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ाइए। अरे कैसे पढ़ाऊं यार, उसके दोनों हाथ जमीन के अंदर हैं और मेरे दोनों हाथ बाहर। अबे मर गया, छोड़ो मुझे यहाँ, वहाँ क्यों काट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। तो काटने दीजिए ना उन्हें, यहाँ और कौन खिलाएगा। अरे कुछ कीड़े मकोड़े मेरे अंदर घुस गए हैं, मुझे बादाम पिस्ता समझ कर खा रहे हैं। चलो पढ़ाना शुरू करो। सर हमारे प्यारे मास्टर जी ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? पापा पानी डालो, डालो। अरे ये तो फिनाइल है। संभाल के, अरे हाँ उल्टी करो, उल्टी करो, करो करो, होगी होगी। हाँ अरे ये क्या हो रहा है, मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं कोई कुंग-फू मास्टर नहीं हूँ, एक साधारण सा स्कूल मास्टर हूँ। इस दास को पढ़ाने के लिए किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, चांदनी की है। धरती की कोई चीज मांगो तो हम ला सकते हैं, भला आसमान की चांदनी कैसे ले आए? बेवकूफ हो तुम सब लोग, मैं आसमान की चांदनी की बात नहीं कर रहा, मैं उस टीचर चांदनी की बात कर रहा हूँ जिससे ये प्यार करता है। ये जब तक चांदनी से प्यार करता है तब तक खुद सरस्वती भी पढ़ाने आएगी तो भी नहीं पढ़ेगा। सरस्वती चांदनी मतलब दो दो लड़कियां। ये उल्लू का पट्टा समझता ही नहीं है यार। कोई भी पास आया तो इसे उड़ा दूंगा। मास्टर जी जानते हैं आपने किस पर बंदूक तानी है? सूरज देखिए टाइगर हूँ मैं। बुलशिट, तुम डेढ़ फुट के होकर अपने आप को टाइगर कहते हो? किस गधे ने तुम्हारा नाम टाइगर रखा है? तुम लोगों ने मुझे सिर्फ बाहर से देखा है, तुम नहीं जानते अंदर से मैं क्या हूँ। अंदर बाहर सब देख चुका हूँ, तब से सो नहीं पाया हूँ। क्यों मेरा पीछा मत करना। मास्टर जी ने 100% सही बात कही, दास कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाता है पर वो लड़की उसे भाव तक नहीं देती। जब तक वो लड़की इसके दिलो दिमाग में है तब तक ये पढ़ाई नहीं करने वाला। फिलहाल तो इनके साथ खेल रहे हैं, तुमने बात नहीं मानी तो इन्हें
शमशान पहुंचा दूंगा। दास को तो जानती होगी जो तुम्हें छेड़ता रहता है, तुम्हें भी उसके साथ थोड़ी सी गुटरगुं करनी होगी। तुम एक टीचर हो, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। शक्ल से थोड़ी समझदार भी लगती हो। तुम्हारे स्कूल में ABCD सिखाते होंगे, लेकिन हमारे स्कूल में खून करना सिखाते हैं। बेबी, तो काम पे लग जाओ। रुको सीमा, क्या हुआ? वो एमएलए के लड़के ने कहा कि गार्डन में अकेले मिल, मैंने मना किया तो कहा एसिड फेंक दूंगा। ए सोनू, चल यहाँ पर आ। क्या है बे? क्या रे, इस पर एसिड फेंकेगा? कुछ भी बोलू तो मना करती है, फिर मैं क्या करूं? मैं तुझे बताता हूँ एसिड से खेलने का अंजाम क्या होता है। चल चल। नहीं 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 नहीं। किसने किया ये? कौन है वो जिसने मेरे बेटे की उंगली एसिड में जलाई? प्रिंसिपल, उसे बाहर भेज। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? बाहर भेजो उसे, आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। वो जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी क्या पावर है। पूरा स्कूल जला दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सबके टुकड़े कर दूंगा। बाहर भेजो उसे। चलो भेजो। मैं था वो। तूने ऐसा किया क्यों? उसने गलती की, इसलिए। मैं गलतियां कर करके ही एमएलए बना हूँ। वो मेरा बेटा है, वो जो चाहे कर सकता है। तू है कौन उसे रोकने वाला? बोला। ए, मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। क्यों, क्या करेगा तू? मुझे भी मारेगा? जो बच्चे हंस रहे थे मुझे पिटते देखकर, उन्हीं बच्चों को उसकी मौत का मातम मनाना चाहिए। टीचर्स, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ले जाओ, अंदर ले जाओ मैंने कहा। चलो बच्चों, अंदर चलो। दास,
सुपर्ब, तुमने उन गुंडों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तुम तो सचमुच कमाल के निकले। वेरी गुड दास। मेरी कभी किसी ने तारीफ नहीं की। आई एम लविंग इट। सच सच कहो, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? मेरी जिंदगी की ख्वाहिश हो तुम। ऐसा क्या है मुझ में कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, बातें अच्छी करती हो, समझदार हो, तुमसे तो चांद भी शर्मा जाए। इन शॉर्ट कहूँ तो तुम्हारी आँखें, तुम्हारी चाल, सब कुछ बहुत कमाल है। एक वजह हो तो बताऊँ। मतलब मुझे प्यार करने के लिए इतनी सारी वजह, लेकिन तुम में एक भी वजह नहीं है कि कोई तुमसे प्यार कर सके। कोई भी लड़की तुम जैसे आवारा लफंगे के साथ प्यार नहीं कर सकती। उसने गलती की थी इसलिए मैंने सजा दी। उसकी गलती क्या थी? हाँ, सीमा उससे प्यार नहीं करती तो उसने एसिड फेंकने की धमकी दी। और अगर मैं प्यार ना करूँ तुमसे तो गुंडे भेजकर मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी देने वाले की सजा क्या होनी चाहिए? ये तुम, मैंने गुंडे भेजे? बस हुआ, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। मान लो अगर ज्योति उसे शादी भी करती है तो उसका तो भला ही होगा, वो एमएलए का बेटा है, शायद आगे जाकर वो एमएलए ही बनेगा। पर तुम क्या बनोगे? गुंडे? मवाली? तुम कहते हो कि मैं बहुत लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ, पर कभी सोचा है जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, वो बदनसीब होगी। छी! पहले ही सर पर इतना टेंशन है और तुम मेरी खोलकर बजाने आए हो? एमएलए को मार कर चला गया वो, तुम लोग क्या झक मार रहे थे? भाई बहुत कोशिश की, वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। भाई कहते हो, और इस भाई की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर वो जल्दी पढ़ाई खत्म नहीं करता तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जानता है एमएलए मेरा दोस्त है, जानते हो? इसलिए उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया, वरना हमारा सारा गेम चौपट हो जाता था। भाई जब तक हम पहुंचते सब खत्म हो चुका था। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, उसे पढ़ना ही होगा हर कीमत पर। भाई मुझे एक मौका दीजिए, वो जरूर पढ़ेगा, ये मेरा वादा है। नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना है। चल हाथ, ए बाल की दुकान, तुम दोनों क्या देख रहे हो? चल, नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे नहीं पढ़ना है। आज पता नहीं होगा क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। चल, तुम कोई सवाल नहीं करोगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करोगे, तुम सिर्फ पढ़ोगे, समझ गए? मुझसे गलती हो गई, खुद पे काबू नहीं रख पाया। ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी से मोहब्बत हो पर उसे पा ना सको तो दिल को कितनी तकलीफ होती है मैं समझता हूं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, ये तुम जानते हो। लेकिन तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी, ये मैं जानता हूं और तुम भी। लेकिन शायद तुम एक बात से वाकिफ नहीं हो कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो हम उसे भी बेरहमी से मार देंगे। तुम फुटपाथ के एक फटीचर हो, इसीलिए वो लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर तुम पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाओ तो वो जरूर तुमसे मोहब्बत करेगी। तुम खुद तय करो कि पढ़ लिख कर उसे पाना है या तो अनपढ़ रहकर उसे हमेशा के लिए खोना है, सोच लो। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो अंजाम के लिए तैयार रहना। ये लिस्ट सर, नंबर मिल गया सर। पास। दास हो गया ना पास। दसवीं का एग्जाम पास किया है, ज्यादा खुश मत हो, अभी बहुत से इम्तिहान देना बाकी है। मर गया।
मानना पड़ेगा, एक सड़क छाप को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। साला अपुन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तुमने अपुन को ट्रैफिक हवलदार बना दिया। अपुन सबको ऐसे लूटेगा कि अच्छे अच्छों की गिली हो जाएगी। हेलो, तुम्हें वर्दी इसलिए मिली है ताकि हमारे इशारे पे नाचो। ऐसा ना करूं तो तुम्हारे जीवन की रेखा काफी लंबी है, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। सिग्नल तोड़ा, स्पीड लिमिट क्रॉस की तूने, 500 रुपीस फाइन। ए, मेरा स्पीड 60 था और वो देख लिमिट 80। अब देख 40 है, अपुन जो बोला वो फाइनल, चल पैसा निकाल। मुझे कानून सिखा रहा है? कानून? हेलमेट कहाँ है? पागल हो गया क्या? फोर व्हीलर में हेलमेट? ये दड़ियल फोकट में अपन को गुस्सा नहीं दिलाने का, वरना जितना ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा उतना फाइन बढ़ेगा। 1,000, 2,000, 3,000, चल जल्दी निकाल। सर जाने दीजिए, ये अपना ही इन्फॉर्मर है। ₹10,000, 40 बार माफ किया, गलती पैसा नहीं रे। सुन, लाइफ में पहले आलू आलू जाने का, फिर रफ्तार बढ़ाने का। पाइलेज रफ्तार बढ़ाएगा ना तो बाद में पछताएगा। दास ऑलवेज पास। दबंग है बंदा, मेरी गाड़ी तो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, फिर भी उसने मुझे रोका और पैसे वसूले। मेरी स्पीड कम हो गई उसकी स्पीड देखकर। मुझे ऐसे बड़े इरादे वाले लोग ही पसंद है, पर उसे ट्रैफिक पुलिस बनाकर मेरा क्या फायदा? उसे होना चाहिए क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच में कैसे जाएगा भाई, ट्रैफिक पुलिस में ही मुश्किल से पहुंचा है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे शातिर दिमाग से कोई ना कोई आइडिया जरूर निकलेगा। उसे क्राइम ब्रांच में फिट करो, और वो कैसे करना है ये सोचना तुम्हारा काम है। ट्रैफिक हवलदार विशेषज्ञ शर्मा इलाहाबाद वाले बोल रहे हैं। रेंट का पैसा कब देगा? 5 बार तेरे घर आ चुका हूँ, तेरी खूबसूरत बीवी से मिला हूँ, हमेशा छुट्टा पकड़ा देती है, पूरा पैसा कब देगा? आए साला, हमका बीवी घर से निकाल दिए हैं, सड़क पे बैठे हैं यहाँ। पैसा बीवी से ले और हो सके तो उसे भी साथ ले जा, यहाँ कमाई नहीं है, उसको रेंट चाहिए। तुम्हारी इतनी गर्म क्यों है? खोपड़ी सखा बाबू। खोपड़िया तो गर्म होगी ना, वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगाए बैठे हैं और कोई ससुर आकर गाड़ी पार्क ही नहीं करता। जब नो पार्किंग बोर्ड में गाड़ी पार्क ना हो तो बोर्ड को वहाँ ले जाओ जहाँ गाड़ियाँ पार्क हो। हेलो, क्या हुआ? नो पार्किंग 150 फाइन। यहाँ जब मैंने बाइक लगाई थी तब ये बोर्ड नहीं था। तो क्या बोर्ड को पैर लग गए? यहाँ ये नाइंसाफी है सर, 150 रुपया नाइंसाफी है। वहाँ का रेट पूछो। अपना रेट 500 असली था। हाँ बोला, वो हमारे दुख भरे दिन गए, उस ससुर का नाती का बोले रेंट छोड़, कितना कब बेचेगा वो बता। हेलो 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 स्टाफ, क्या हुआ वॉचमैन? वॉचमैन मायसेल्फ ट्रैफिक पुलिस, नो पार्किंग में पार्किंग किया 150 फाइन। मैं तो पिछले 3 दिनों से यही पार्क कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा किया, 150 फाइन। अरे कल तक तो यहाँ नो पार्किंग नहीं था, आज अचानक कैसे हो गया? 3 दिन में नो एंट्री वन वे हो गया और वन वे नो एंट्री हो गया। ट्रैफिक कमिश्नर खुद परेशान है, घूम घूम कर देख रहे हैं कि ये हुआ का है, फाइन तो देना पड़ेगा। एक पैसा नहीं दूंगा। अरे दास बेटू। दास वास कुछ नहीं, ट्रैफिक पुलिस। अरे मैं दोस्त हूँ शाना पांडू। ए, हाथ मत लगा। निशान है वही शाना पांडू। लाइसेंस 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 चाहिए। लाइसेंस
लाइसेंस। तुम दोनों सीरियस हो? मग तेरे को क्या लगा? One second. Yes, my name is Shana Pandu, but I am not a terrorist. ये देखो, insurance, ये है license, और ये है PUC. ये तो सब बराबर है। अरे, stop! License है, insurance है, PUC है, जाके भरो। देखा, सारे documents किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पीयूसी नहीं है। सका, पीयूसी नहीं है। 3,000 का फाइन मार इस पे। ऐसे दे, पैसे दे। जानू, एक्सक्यूज मी सका। जानू, मैं आया। वो आपकी बाइक लेके गया। और लाइसेंस भी ले गया। ए दास सुन। मेरी जानू। मेरा लाइसेंस। मेरी सोनियो। मेरा लाइसेंस मुझे दे दे दास। ये हड्डी मार रहा कहाँ कबाब में हड्डी बन रहा है? कोर्ट में जाऊँगा। जा यार तेरे को जहाँ जाना है काहे को धमकी दे रहा है? ओए फिलहाल तो मैं कंटेनर में जा रहा। उल्टे हुए कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ हूँ भाई साहब? तुम मोबाइल कोर्ट में हो। अरे मैं कोर्ट में जाने की सोच ही रहा था, कोर्ट खुद चलकर मेरे पास आया। मामूली गाड़ी को ठोका तो फाइन है 500 रुपए, पर तुमने मोबाइल कोर्ट की वैन को ठोका तो फाइन है 5,000 रुपए। अरे दास मैं बना के पी जाऊंगा तेरी छाल। तुम मेरे कोर्ट में आकर मेरी छाछ बनाओगे? तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं तुम्हें 6 महीने की सजा सुनाता हूँ। पर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा था। फिलहाल जाकर चक्की पीसो, सफाई 6 महीने के बाद देना। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। आज आपने जूते नहीं पहने? क्योंकि वो मेरे हाथ में है। मेरे जूते लो, क्या कर रहे हो तुम? आज मेरा बर्थडे है फादर। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। मैं केयर सेंटर के इन लोगों की कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये लीजिए चेक। थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड। आओ पकड़ लो मुझे। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं हवलदार बन गया। बाय बाय बेटी, आप ख्याल रखना। गुलाब पुलिस वाला बन गया हूँ। मैं भी पुलिस वाला हूँ। मैं ट्रैफिक पुलिस। मैं भी ट्रैफिक पुलिस। मेरा नंबर है 420। मेरा नंबर भी 420। मैं कहाँ फंस गया? मैं चिंचपोकली पुलिस। मैं भी चिंचपोकली पुलिस स्टेशन। ये आदमी है कि पैजामा? आओ जानू इसे समझाओ ना, ये तेरे खानदान का है क्या? जानू जरा देख के। सावधान। गोल गोल रानी याद आएगी नानी। गोल गोल रानी। जानू पहले ही मैं तुम्हारे प्यार में आधा पागल, अब यहाँ पूरा पागल हो जाऊंगा।
कर है अंबर का तारा तू जो चमके दमके रे तो धरती से मेरे नैनों से तुझको हो तकता छुड़ाने आए सर यकीन नहीं होता एक वो मेरा बेटा है आवारा कुत्ता कमीना गालियां देना बंद करो मैं आपका बेटा दास हूँ अबे मुझे तो पता ही नहीं चला ये तू है पहले ये बताइए अपना गेटअप कैसा लगा बहुत ही गंदा है पहले जब तू आता था ना तीन तीन दिन नहाता नहीं था वो बड़ी हुई दाढ़ी गंदे कपड़े तुझे वैसे देखने की आदत हो गई थी ऐसे अगर अपन का गेटअप तेरे को पसंद नहीं है तो सोचो बिल्लो रानी को क्या घंटा पसंद आएगा बिल्लो रानी ये वैम्प कौन है खामोश अगर कहा उसको वैम्प तो बुझा दूंगा आपका लैंप ये जेल है टॉकिंग वाइफ साइलेंस सुनिए रो क्यों रही है क्या रे किसी का जेब काटा गला काटा क्या काटा देखो तुम्हारी पसंद की लाल साड़ी पहन के आई हूं अरे शाला पांडो तू यहां कैसे रहे तुम्हारी वजह से मुझे 6 महीने की जेल हुई है मिस्टर एक बार मैं जेल से निकल गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को बम से उड़ा दूंगा भड़ा ए पहले इसको हाथ लगा के दिखा मैं चढ़ रहा हूँ इस पर आपकी क्यों लाल हो रही है जानता है ये कौन है उनका पट्टा थन है मैं फादर सन पुलिस फादर कैदी नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन व्हाट अ फैमिली तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए तुम्हारे बड़े भाई साहब अक्सर आते रहते हैं 6 महीने की तो बात है वादा करता हूँ शाणा पांडु मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा हाथ हटा हाथ हटा दास को भाई क्राइम ब्रांच में भेजना चाहते हैं वो भी एक हफ्ते में ये कैसे मुमकिन है सर अगर मेरे टैलेंट पर भी ध्यान दे तो मैं भी डीजीपी बन सकता हूँ खतरनाक दरिंदा गजा जो 6 मर्डर के केस में तिहाड़ जेल में बंद था वो जेल तोड़ के भाग गया है पुलिस ने उस पर 2,00,000 रुपए का इनाम रखा है ये बहुत ही खूंखार दरिंदा है और इस तरह रूप बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनकी हत्या दास इसे पकड़ ले तो दास ने अगर इसे पकड़ भी लिया तो आपको क्या लगता है उसे क्राइम ब्रांच में ले लेंगे जरा दिमाग दौड़ाओ जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाए उस खतरनाक मुजरिम को एक ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो प्रमोशन पक्का है सर तो हम उस दरिंदे को पकड़ेंगे और पुलिस को ऐसे जताएंगे कि दास ने अपनी जान पर खेलकर उसे पकड़ा है और वो क्राइम ब्रांच में होगा सुपर आइडिया सर अगर ऐसे आइडिया मुझे देंगे तो मैं अभी फोकट में डीजीपी बन जाऊंगा दरवाजा खोल मेरे लिए देख मैं आया तेरे लिए ये कोई टाइम है आने का सवाल जवाब बंद कर पुलिस मेरे पीछे पड़ी है मेरी बचाने इसलिए मुझे इस वक्त आना पड़ा अब इंतजार नहीं होता दरवाजा खोल ये तो बताओ तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो कहीं तुमने मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूसरी सेटिंग तो नहीं कर ली अरे बाप रे एक टाइम पे इतने सारे मर्द कैसे सेट कर दिए यहाँ हमारी सेटिंग नहीं हो रही वो तुम्हें सेट करने आए तुम जानते हो ना मुझे ड्रिंक में बर्फ चाहिए होता है बर्फ में कोई और जम रहा है सर कितने दिनों से एक हफ्ते से अब शायद वो हमें इनकार नहीं करेगा बाहर निकालो उसे और हमारे सामने पेश करो ठीक है सर खुल जा सिम सिम चलो सैल्यूट मारो विंटर सीजन रेनी सीजन
हर सीजन। ठंडा किया, धो लिया, गरम किया, अब इसे सब्जी की तरह काट डाले सर। तुम यहाँ रहना चाहोगे या जेल में? जेल में, जेल में इतने सारे मौसम नहीं झेलने पड़ते। अगर हम जैसा कह रहे हैं वैसा तुम करो तो तुम्हें जेल में भेजा जाएगा और हमारे लोग वहाँ तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। थैंक यू सर, आप मेरे माए बाप हैं, आपका ये एहसान रहा मुझ पर। मैं जेल से कहीं नहीं भागूंगा, सुनामी आए, बम ब्लास्ट हो तो भी नहीं। टाइगर सर, इसे अपना काम समझा दो। यस सर। मैंने तुम्हें जो बताया याद है? जाओ मेरे लाल, उठो। सुनिए सुनिए सुनिए, दो मिनट मैडम, बुरा ना माने तो जरा कब्जे में आएंगी। छी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? कम में कहेंगे, तू खूनी कैसे बना रहे? ए, ऐसे प्यार से पूछेगा तो कोई नहीं डरेगा। गन निकाल गन। ये वाली चेयर अच्छी है। ओह नो, ड्राइंग टीचर। मैं इसे जान ले लूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं छूकार दरिंदा हूँ। छोड़ दो, मैं चुप। तू कौन है बे? मैं हूँ। गजा, तुम्हारी डिमांड्स क्या है बताओ हमें। वाह, पहली बार तुम पुलिस वाले सही टाइम पर आए हो। वैसे मुझे एक माइक चाहिए। माइक चाहिए? जाओ उसे माइक दे आओ। गजा, तुमने माइक की डिमांड की, हमने दे दी, अब लड़की को छोड़ दो। मैं माइक से तुम्हें अपनी सारी डिमांड्स बताऊंगा। मुझे छास चाहिए, कोई ईमानदार ट्रैफिक पुलिस, बुलाओ उसे, बुलाओ। छास नहीं दास, छास नहीं दास, छास नहीं दास, बुलाओ उसे। दास को इसी वक्त बुलाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, अगर वो नहीं आया तो क्या करोगे? तो मैं इस लड़की के इस पिस्तौल से छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। साहब, शायद अपना बकरा आ गया। सर, क्या तुम ही दास? अभी तक तो हूँ। तुम्हारे लिए एक सैड न्यूज है। क्या सर? तुम जल्दी ही शहीद होने वाले हो। अंदर 6 खून करने वाला गजा है। अंदर 6 खून करने वाला गजा है तो आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अरे वो तुम्हें बुला रहा है। मुझे? अरे बाप रे। चलो जाओ। सरकारी टोपी संभालना जरा। तुम अगर मर गए तो ये टोपी मैं रख लूंगा। अंदर जिंदा तो जा रहा हूँ, शायद मुर्दा ही बाहर हूँ। दास को बुलाओ। यही दास है, यही दास है, यही दास है। समझ गया, समझ गया। तेरा नाम दास है? चल मेरे साथ कोपचे में आ, सिर्फ एक तू बहादुर है जो मेरे साथ लड़ सकता जानू? है। जानू, तुम यहाँ कैसे? ए, तुझे तेरी जानू की पड़ी है, तेरी वजह से मेरी खटिया खड़ी है। मेरी वजह से? मुझे तुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले पसंद नहीं है, लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में बिताई, तुम महान हो। गजा अंकल, आपको गलती से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक तो अपने पैदा होने के वक्त हुआ था। ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह अफवाह कुछ नहीं, मैं जेल से सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। आओ अपनी ढांसु स्टाइल में मुझे अरेस्ट करो। गजा अंकल, पहले लड़की को तो जाने दो। जाने दूंगा तो कोपचे में आओगे? कोपचे में कहेंगे जाएंगे। कुप्चे में जाएंगे ना? तू जा, तू जा। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कुप्चे में कितने भाग रहा हूँ। ए ए, होशियारी नहीं, मेरे पास गन है। ए, क्या कर रहे हो भाई? क्या तुमने लात मार कर मेरी गन गिरा दी? अब देखना, मैं तुम्हें लात मारूंगा। अरे मार दिया रे, मार दिया। कचरे का डिब्बा मैंने सिर पे मार दिया, माथा फोड़ दिया। अब क्या करूं? नहीं नहीं गजांगल, बेचारे को लग गई। इट्स डिफरेंट। ये साला कितनी ओवर एक्टिंग करता है। Come on, come on. Arrest him. ले जाओ, चलो 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 यहाँ से। दास जी, ट्रैफिक में होने के बावजूद तुमने मुझे पकड़ा। अगर तुम्हारे जैसे लोग क्राइम ब्रांच में हो तो मेरे जैसे मुजरिम रहेंगे ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्रांच, याद रखना। तुम्हारी तुम्हें सच में क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। यू डिड अ ग्रेट जॉब। मुझे याद रखिएगा। उठ जा साले, सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हा? तुम जब उठते हो तभी गुड मॉर्निंग होती है क्या? जनाब एक बज चुका है। तभी तो भूख लगी है। ए, जब भूख लगे तब खाना और नींद आए तो सो जाना। तुम्हारे कपड़े और हेयर स्टाइल तो कुछ और ही कहते हैं। लगता है तुम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे पर गलती से क्राइम ब्रांच में आ गए। नसीब खराब है वरना सुपरस्टार बन चुका होता। मतलब हमारा काम काम नहीं? हाँ, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। सर हमें अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, स्मगलिंग के सामान से भरा एक ट्रक हमारे शहर में दाखिल हुआ है। लगता है सर वो बहुत बड़ा गैंग है। बातों को इलास्टिक की तरह मत खींचो। वैसे दास, तुम्हें लगता है ना ये काम आसान है? तो जाओ उस ट्रक को पकड़ो। सर इसके साथ जाओ, ले जाओ इसे। ट्रक का नंबर क्या है? AP15X4545। सर ये पुलिस वाला है या टपोरी? कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं यहाँ काम करने, मेरी तो किस्मत ही खराब है। AP15X4545, पता नहीं ये ट्रक कब पकड़ूंगा। अबे तेरी तो, ये तो मेरे ही आगे जा रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट क्यों जा रहा है?
अरे देखो अपना पुलिस वाला आ गया। अरे ये औरत बीच रास्ते में, ये तो शायद प्रेग्नेंट है। टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ए बहरे, हॉर्न नहीं सुनाई देता क्या? अरे इसने तो आपको लोगों को नहीं पकड़ा, साला 2 लाख का लॉस हो गया। डॉक्टर यही शुरू हो गए? वेरी सीरियस कंडीशन, एडमिट करने का टाइम नहीं है, डिलीवरी हमें यहीं करनी होगी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए यहाँ से प्लीज। ठीक है। देख, घबराइए मत। Keep breathing. Come on line, दास। कहाँ मर गया ये? Come on line, दास। हेलो सर, दास स्पीकिंग सर, ओवर सर। दास क्या हुआ, ट्रक को पकड़ा, ओवर। एक अर्जेंट काम आ गया था, मैंने उन्हें जाने दिया। अर्जेंट काम? अभी मैं कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, वो रास्ते में एक लड़की मिली और। ये कैसी आवाज है सर? अच्छा ये था तुम्हारा अर्जेंट काम, मैंने तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट काम सौंपा तो मैयाशी कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर, चाहे तो लड़की से पूछ लीजिए। अब क्या करूं? वन मिनट सर। मैडम जी आप बताएंगी यहाँ क्या हो रहा है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। जरा करीब आओ ना। अब बता दो, अगर पुलिस हर अबला नारी की ऐसे ही मदद करेगी तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। मुझ पर अभी कोई डाउट तो नहीं है ना सर? हैप्पी सर? हैप्पी मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। ए, जब पहली बार तुम्हें देखा मुझे लगा ही था कि तुम इसी काम के लिए माहिर होगे। सर थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी आवाज सुनकर शायद आप मुझ पर विश्वास करें। ये बंदा तो बहुत फास्ट निकला। ए, what the hell is happening there? सॉरी सर, बच्चे ने भी धोखा दे दिया। अपनी बकवास बंद करो। अब रोने लगा तू? हाँ रो, रो मेरी बर्बादी पे। सर आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मेरी बच्ची के लिए अच्छा सा नाम बताइए। चांदनी रखो। ये सहारों का सहारा रेगिस्तान आ गया। जा बेटा जा, आज तो तेरी नौकरी गई। सर हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर सर सुनिए तो सर, ट्रस्ट मी सर, वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू गेट हिम सर, प्लीज। ओके सर। सर मैं पकड़ू इस लुखे को? तुम? जी सर। इसे पकड़ोगे? सुना सबने, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? हम इस गुंडे को पिछले 6 महीने से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर नाकामयाब ही रहे, पर इन भाई साहब के लिए बाएं हाथ का खेल है। कोई नहीं जानता कि उसका ठिकाना कहां है, वो किस हाल में है, कहां रहता है। ए, पर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इसे पकड़ सकते हो, तो जाओ किस्मत आजमाओ। लेकिन अगर पकड़ के नहीं ला पाए तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जाओ देखते हैं क्या तीर मारते हो। अकड़ तो देखिए सर, गया तो ऐसे है जैसे 2-4 झापड़ लगाकर उसे पकड़ कर ही ले आएगा। वो नहीं ला पाएगा उसे, उस क्रिमिनल को पकड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ये हार कर वापस आएगा और इस्तीफा देकर चला जाएगा। बले, 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 बले। और शर्मा साहब क्या हालचाल? क्या बताएं भैया, तोहार आइडिया से हम 2 मकान और 2 ठो जोरू बना लिए। हम दोनों जोरू के बगैर सो सकता हूँ पर इस बोर्ड के बिना नहीं सो सकता। हेलो, ब्रिज के नीचे पार्किंग है, अभी आया, बिजनेस फैला है। अच्छा भैया, धंधे का टाइम है, हमको ब्रिज के पास जाना है, ठीक है? कैसा है रे तू? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र थी? वैसे तो मिलने आएगा नहीं तू? ड्रग्स चाहिए ना? जान ड्रग्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो ड्रग्स बेचता है। तू इसे पहचानती है? मैं तो नहीं पहचानती, पर एक आदमी है जो जानता है कि वो कहाँ हो सकता है। 1200, 1300। Excuse me. Yeah. I am Phillips. I'm Sonia. Oh. I am Onida.
तो फिर तो तुम्हारी माँ वीडियो कॉन और तुम्हारा बाप एलजी होगा। माँ का नाम दया शंकर और पापा का नाम उमा पार्वती। 1400 1500 क्या हुआ? ओह, तुम वो नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी। वो मेरा लंगोटिया यार था, साला हमेशा ऐसे ही हाई बोलता है। एक ही तो दोस्त है मेरा, राइट साइड का जिगर का टुकड़ा है। वाह, तुम्हारा तो सच में कितना बड़ा है। क्या जिगर रे? गुड़बक कहेगा। साला फिर से तुम? I'm extremely sorry. Don't mind. नारे नारे। इससे अपना चेहरा धो रे। वो कौन था? वो मेरा लंगोटिया यार था। वही होगा अपना लंगोटिया यार। आइला, फिर से तू? बहुत ही लगी है भिड़ू तू। पहले सोचा पीछे से तलवार घुसेड़ दूं, फिर दिल ने कंट्रोल किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब देखो पिछवाड़े में हमला करते हो, तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। क्या कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को पीटता है? तलवार घुसा दो, एक ही बार में किस्सा खत्म कर दो। क्या करूं, तेरा पिछवाड़ा बिल्कुल इस आदमी के पिछवाड़े जैसा है। मेरे पिछवाड़े जैसा है? एकदम सेम है। जरा फोटो से दिखाओ। देख, ये तो बंदे की शक्ल है, पिछवाड़ा कहाँ है? इसका कहाँ से दिखेगा? तू अपना पिछवाड़ा देख पा रहा है? इसका पिछवाड़ा ना, मेरा पिछवाड़ा दिख रहा है ना, उसका परेशान कर रखा है। तुम अपना पिछवाड़ा देख सकते हो? कब से मेरी मारे जा रहे हो? नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन इस गंजा चंदू को नहीं छोड़ूंगा। रुक जा, अगली बार भी तुम मेरी बजाओगे? छोड़ना यार, यार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लाओ उसे, मैं ढूंढता हूँ। हेलो, कौन बोल रहे? गंजा चंदू चाहिए? क्या कहा? नंगा चंदू था। हेलो, गंजा चंदू चाहिए है क्या? है? वो है। किसी ने हमारे आने की उन्हें खबर दे दी होगी। नहीं सर, गलती हमारी है। मालूम है क्यों? ऐ ओ, इस तरह सायरन बजा के आओगे तो साला लंगड़ा भी कैटवॉक करके निकल लेगा। तो क्या हमें सायरन भी नहीं बजाना चाहिए? ऐसे टाइम में भोपू भी नहीं बजाने का। बिना गिरफ्तार किए गए तो नाक कट जाएगी। आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? मी ईयर वाइफ ईयर, आप लोग कल्टी मारिए ना, मुझ पर भरोसा कीजिए। आप दूर से तमाशा देखिए ना। सुना नहीं सर ने क्या कहा? ये यहीं रुकेंगे, तुम लोग निकलो यहाँ से। चलो, जैसे आते वक्त सायरन का फीलिंग दिया था, वैसे जाने का भी फीलिंग देना रे। आपको लगता है ये फिर कमाल दिखाएगा? सर, आप दोनों जरा कोपचे में जाना। ये पुलिस है या क्रिमिनल? क्रिमिनल पुलिस है। अबे चूहे की तरह क्या बिल में छुपे? बाहर निकल, अपन के साथ कबड्डी खेल। ए, कानपुर में दंगा है क्या? अपन की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? ये ले रे। अरे डांस बार के घाघरे में छू। अबे ये भुना हुआ पापड़ कौन है? इस जाड़िए की पोस्टर की तो मैम। ए, मेरे भाई के पोस्टर पे गोली। क्या कर लेगा अबे तू? तू साले बाल की दुकान। मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। तू यहीं रुक। अरे वाह, बहुत हिम्मत है तेरे में। बोले तो टकला शेट्टी खल्लास। अकेला फकीर गैंग से। थोड़ा तो दिखा रहे। तेरे को इस बाहर निकालने के लिए उसको कान के नीचे बजाया। अकेला। अब मजा देखिए सर, दोनों गैंग आपस में लड़ेंगे और जो भी बच जाएगा हम उसे ले जाएंगे। वेरी सिंपल।
हमें आपस में नहीं लड़ना है। हाँ, लड़ने का कोई मतलब नहीं। देखो, इस बेकार की लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस खून खराबे से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर इस तरह तुम मेरे लोगों को मारोगे और मैं तुम्हारे लोगों को मारता रहूंगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे लोगों से बस इतना ही कहूंगा, मेरे पोस्टर पे गोबर ना फेंके। पोस्टर से बदबू आती है। तुम अपने आदमियों को समझाओ। वो अपना भाषण अपने पास ही रख और ये ले गोबर खा। याद आया, इसी क्षण में आपके पोस्टर पे भी गोबर फेंका था। पहले बता तू कौन सी गैंग से है? थकेला फकीर गैंग। पहले बता तू कौन सी गैंग से है? हाँ, कौन सी गैंग से है? ये तो बता तू किस गैंग से है? पुलिस गैंग। आप चाहें तो इन सबको अरेस्ट कर सकते हैं। कैसा लगा टमरी का कमाल? तुम एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर हो। ए, पुलिस वालों को क्षत्रिय युद्ध की तरह हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि चाणक्य की नीति अपनानी चाहिए। तुम भी मेरी तरह ही अच्छे ऑफिसर हो। यू आर ग्रेट। यू नो, हम आम इंसान नहीं है, हम ईश्वर हैं। यस, ईश्वर लोगों को बचाते हैं, हम भी वही करते हैं। पर वो दिखता नहीं और हम दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उसके अवतार हैं। अब और मत पीजिए। जानते हो, बचपन में मैं चोर पुलिस के ड्रामा में काम करता और सबकी बुरी तरह धुनाई करता। पुलिस ऑफिसर बनने का ऐसा बुखार चढ़ा कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया। घर में भी यही चिल्लाता, आई एम पुलिस, आई एम पुलिस। तंग आकर घर वालों ने मुझे पुलिस में भर्ती करा दिया। Here I am, पुलिस ऑफिसर। समझे? सर, आपकी फैमिली इंतजार कर रही होगी। आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली। यू नो, मेरी यूनिट, दे आर माई फैमिली। यस, ये यूनिफॉर्म मेरी बीवी है और मेरे मेडल्स मेरे बच्चे हैं। आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली, प्राउड टू बी ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस। फोन करूं या नहीं? कर ही लेती हूँ। अगर जानू मेरी वाइफ बन जाए तो लाइफ में टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाए। क्या कर रही होगी वो? Who calling? Hello. मैं हूँ चांदनी। चांदनी? हुलू? हेलो, कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। तुम मेरे पास आ सकते हो? कितने पास? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मियां बीवी काली बिल्ली हो गई। दास, भाई ने तुम्हें बुलाया है। पर मेरी जानू ने भी बुलाया है। भाई इज वेटिंग। माय जानू वेटिंग टू। इम्पोर्टेंट मैटर है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है। चुपचाप चलो। वेलकम वेलकम गुनाहों के इंस्पेक्टर मिस्टर दास। ड्यूटी छोड़कर आना पड़ा? कोई बात नहीं, मत भूलो कि यहाँ की ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंसान से शायद तुम वाकिफ नहीं। तुम आज हमारी गुलामी कर रहे हो तो उसकी वजह ये भाई साहब है। इस माह के लाडले ने मेरा नमक खाया और मुझी से धोखा किया। क्राइम ब्रांच का कुत्ता। इस तरह के धोखेबाजों को कोई ईमानदार चमचा ही मार सकता है। मैं इसे मार सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने मारा तो मर्डर हो जाएगा और तुमने मारा तो एनकाउंटर। परफेक्ट लीगल मर्डर।
क्या हुआ, पैंट गिली हो गई क्या? ये तुम्हारा पहला एनकाउंटर है, अब इसे आदत बना लो। तुम हमारे गैंग में शामिल हो गए हो तो तुम्हें लोगों का खून करके उसी खून भरे हाथों से खाना खाना भी आना चाहिए। शूट! ए, ये तुम्हें गोली मारने वाला है, भागो। अरे क्या देख रहा है, भागना, गोली मारने वाला है। और तू क्या देख रहा है, मार गोली उसे, वो भाग रहा है। चल 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 चल, शूट, चला गोली, चल 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 चल, और मार गोली जल्दी, देख वो भागने ना पाए, गोली चला। अरे भाग रहा है वो, पैर पे मार। वो तुम्हें लुढ़काने वाला है, कूद जा जल्दी पानी में, अपनी जान बचा, कूद 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 जल्दी। तुम पुलिस वाले हो ना, वो बेचारा डूबकर मर जाएगा, खड़े खड़े देखते रहोगे, उसे बचा लो, कूद जाओ पानी में, कूद जाओ। दास। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर दास स्पीकिंग, अर्जेंट मैसेज। मुझे एक आदमी पर शक हुआ, वो मुझे देखकर भागने लगा। मैंने उसे रुकने को कहा तो उसने मुझ पर गोली चलाई। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसके पैर पर गोली मारी। वो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज पर से पानी में कूद गया। जब मैंने उसे डूबते हुए देखा तो मुझे अपना फर्ज याद आ गया। उसे बचाने के लिए मैं भी पानी में कूद गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। आप तो ठीक है ना? मेरे पैर में गोली लगी है, बट नो प्रॉब्लम। इसका शक कि तुम हमारे आदमी हो कमिश्नर को नहीं होना चाहिए। अभी भी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। मैंने इस कुत्ते को तैयार किया था ताकि ये मेरे इशारों पर दुम हिलाए। अपने काम पर ध्यान दो वरना। हर किसी से गलती होती है, इंसान जो ठहरे। अनजाने में की गई गलती गलती है, लेकिन जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं, जुर्म है। और तुमने जुर्म नहीं गलती की है। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं डिक्टेट करता हूं, तुम स्टेटमेंट लिखो। डियर सर, वो नहीं जानता था कि मैं एक पुलिस वाला हूं, और मुझे नहीं मालूम था कि वो एक इन्फॉर्मर है। जब मैंने उसका पीछा किया तो उसने मुझ पर गोली चलाई। मुझे वहीं उसे खत्म कर देना चाहिए था, मगर मेरा फर्ज कह रहा था कि मुझे किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पैर में गोली मारी। उसके बावजूद वो भागा और ब्रिज पर जाकर पानी में कूद गया। मैं भी उसके पीछे भागा, पानी में कूदा, बचाने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट। काफी कोशिशों के बावजूद मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने अपना फर्ज निभाना चाहा, बट आई फेल्ड। नीचे साइन कर दो, हायर ऑफिशियल से बात करूंगा। दास, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ, अंदर टेस्टी खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए चलिए। तुम और यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? कितने बेगुनाहों की जान लोगे, बताओ बताओ। कल ही सोच रही थी अपने दिल की बात बता दो, पर तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। तुमसे प्यार करना सबसे
बड़ी भूल थी। तुम इस लायक नहीं कि कोई तुमसे प्यार करे। एक आखिरी कसर पूरी कर दो, मुझे मार डालो, मार डालो मुझे, मैं नहीं जीना चाहती, मार डालो। मेरा भाई चाहता था कि मैं किसी अच्छे इंसान को अपना पति चुनूं, पर तुमने उसकी जान लेकर ये साबित कर दिया कि तुमसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चले जाओ, निकल जाओ। इसे मार कर आपने मुझे खूनी तो बना दिया, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आइए चलिए। अपनापन क्या होता है, बिछड़ने का गम क्या होता है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है। एक बहन अपने भाई से बिछड़ गई, बूढ़े माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खो दिया। छोड़िए ना सर, आपको इन बातों से क्या, आपका कहाँ कोई परिवार है। मेरे बेटे को मारकर उसी के शरद का खाना खा रहे हो तुम लोग, चले जाओ। खाइए सर, जिन हाथों से खून किया उसी हाथों से खाने की आदत डालनी है मुझे। खाइए सर, इन्हें सब्जी दीजिए। आज मेरा प्यार मुझसे छिन गया है सर, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम लगाने वाला मैं कौन हूँ? मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप का कहना मैंने कभी नहीं माना। मानी तो सिर्फ आपकी बातें, गुरु माना था मैंने आपको। मैं तुम्हारा गुरु नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। स्कूल भेजते वक्त आप ही ने कहा था मैं जो भी करूं ईमानदारी से करूं, तो पुलिस की नौकरी मुझे ईमानदारी से क्यों नहीं करने देते? मुझे पता है कि आप मुझे चाहते हैं और मुझे अपने बेटे की तरह ही मानते हैं, फिर मुझे अपना फर्ज निभाने से क्यों रोकते हैं? जिस प्यार का वास्ता देकर आपने मुझे पढ़ाना चाहा, उस प्यार का वजूद आज तबाह हो चुका है। अगर अब मैं आपका साथ ना दूं तो काट देंगे तुझे, मार देंगे। मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता हूं, उसके लिए किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सारे गुनाहों का मैं खुद गवाह हूं। पढ़ा लिखा कर उसने मुझे वकील बनाया ताकि मैं उसे बचा सकूं। एक बात समझ लो, अगर उसे इस बात की भनक भी पड़ी कि तुम गद्दारी करने वाले हो, तो वो तुम्हें मारने में हिचकिचाएगा नहीं। पर इस बार हम बाजी पलट देंगे, वो तुम्हें नहीं मार पाएगा, बल्कि तुम उसे मारोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़ा इंतजार करो सही समय का। जीत हमारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम ठीक नहीं हो ना बेटा। कैसे ठीक हो सकता हूँ? कुछ पलों की खुशी के लिए आपने एक औरत को धोखा दिया, वो बेचारी घुट घुट कर मर गई और मेरी परवरिश गुंडों के बीच हुई। आप अक्सर कहा करते थे कि मैं पुलिस में हूँ इसलिए जेल जा रहा हूँ। आपका ये सफेद झूठ मेरी जिंदगी का कड़वा सच बन गया। गवर्नमेंट हम दोनों के पेट को भरती है, आप मुफ्त की रोटियां तोड़ने से खुश हैं, लेकिन मुझे जिल्लत की रोटी मंजूर नहीं। यही तो फर्क है चोर और पुलिस बनने में। चोर मरता है तो दुनिया कहती है अच्छा हुआ साला मर गया, पर जब कोई पुलिस वाला मरता है तो दुनिया उसे फूल मालाएं पहनाती है। कहीं तुम भी अपने आप को कानून का रखवाला तो नहीं समझने लगे हो? तुम भी पहले एक चोर थे। सुनो, आज के बाद हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। फिर कभी अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना और कभी यहां मत आना। जाओ। ये तुमने क्या किया? आपने ही बेटे को धुतकार दिया। और मैं क्या करता, अब वो पुलिस वाला बन गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे जिल्लत उठानी पड़े, शर्मिंदा होना पड़ा उसे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बुरा भला कहा ताकि वो मुझसे नफरत करे। क्यों बे, शक्ल से क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने तुम्हें उसे मुजरिम बनाने के लिए कहा था, उसने ही तुम्हें संत बना दिया। अब वो नहीं बदलेगा। अच्छा, तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं, मैं ही बदल जाता हूँ। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया है, नहीं? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे पढ़ाते हैं। तुम जैसे बेईमान को वही मार सकता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। आई एम वेरी सॉरी दास, पहले कहो कि तुमने मुझे माफ किया, वरना तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हारा प्यार खो गया। तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? है ना? मार दे मुझे दास, खत्म कर दे, या फिर उसे खत्म कर दे जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ।
मार दे दास, मार दे, शूट। बहुत सोचता है तू यार। जब मैंने तुझसे कहा कि उस इन्फॉर्मर को मार डाल, तूने नहीं मारा। पर अगर इस काले कोट वाले को तूने नहीं मारा तो मैं तुझे मार डालूंगा। हटे ले। क्यों बे लुखे, हवा निकल गई क्या? तू पुलिस को और पुलिस स्टेशन को क्या अपने बाप की जागीर समझता है? अबे तेरे जैसे कमीने को हम पुलिस लॉकअप में नहीं, बीच चौराहे पर कुत्ते की तरह मारते हैं। मुझे इन्फॉर्मर मत समझना, मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ। मेरे साथ ज्यादा होशियारी नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं बचेगा, बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट हवा में उड़ा दूंगा। साले इससे तू एक पुलिस वाले की चेतावनी समझ ले, मैं बहुत जल्द तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा, समझ गया साले? अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। तुम्हें वो किताबें मिली जो मैंने कही थी? नहीं मैम, मैंने बहुत सारी दुकानों में देखा लेकिन मुझे वो किताबें नहीं मिली। तो लाइब्रेरी में क्यों नहीं चेक करते? अरे छोड़ दो। दास की सच्चाई बताने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। Thank you.
भाई के सारे काले कारनामों का मैं अकेला गवाह हूं। मैं उसके पापों को हमेशा छुपाता आया। तुम्हें ही अपना मकसद मानकर ये आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं नहीं चाहता कि ये लव स्टोरी अधूरी रह जाए, इसलिए यहां आया हूं। सपना, मेरी नींद हराम करके भला तू कैसे चैन से सो सकता है? मेरे दिल में आग लगी है और तू एसी की ठंडी हवा में सोया है। इसका बिल कौन तेरा बाप भरता है? मेरा हर काम तूने चौपट किया। आजकल बहुत छाना हो गया क्या तू? वो चिकनी लड़की तेरी लवर है, उस पंछी को मैं किडनैप करना चाहता था, साला उसके पहले तूने उड़ा दिया। अगर मेरा काम तूने करना शुरू कर दिया तो मैं क्या घंटा बजाऊंगा? चल बाहर चले। बाहर कहाँ पर? शॉपिंग। चल साला, संडे को भी सोने नहीं देते। इतने सालों में मैंने इतने सारे गुंडे देखे लेकिन तेरे जैसा कुत्ता नहीं देखा। अबे मेरे जैसे खतरनाक डॉन को कचरे की तरह फेंक दिया, खुद को ट्रांसफार्मर समझता है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझ जैसे ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई करने वाला पावर स्टेशन हूँ मैं, और तू मुझसे पंगा लेगा? काट दूं क्या तेरी बिजली? बड़ा खुश नसीब है तू, अगर तुझे सुमड़ी में मार दिया तो मेरा खौफ कैसे फैलेगा? वेट फॉर सनराइज। उड़ जा मोहन प्यारे, अपन को खलास किए बिना तू छोड़ेगा नहीं। कम से कम अंतिम इच्छा पूरी कर, बहुत भूख लगी है, कुछ नाश्ता मंगा ना यार। भूख लगी है? ट्रांसफार्मर नहीं इन्फॉर्मर तो था, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ए, नाश्ता ला बे। ये सुन रहे, दो स्पेशल डोसा, बटर मारने में कोई कंजूसी मत करना। ए, साला स्टाइल में मरेगा। अपन साला तेरा ही स्टाइल कॉपी करता है। तुमने एकदम मस्त है। लगा जोर का झटका? ये इन्फॉर्मर वाला स्टाइल तेरा ही छे। तेरे गैंग में कुछ लोग काम करते हैं जो मेरे ही आदमी हैं। अपुन की खोपड़ी भी तेरे तरह हटेली छे। तो अपुन को मारेगा, अपुन तेरे को ठोक डालेगा, और अगर अपुन नहीं ठोकेगा तो बड़ा साहब तो आ ही रहा है। तेरा पूरा गैंग तेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपुन दे चुका है। सॉरी यार, अपुन को तेरे लिए बहुत ही अफसोस हो रहा है। तू और तेरे आदमी बिना नाश्ते के ऊपर पहुंच जाना। चलो। लोग उस तरफ से जाओ। बच गया। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी यूनिट, दे आर माय फैमिली। अरे उठा।
मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर कि हमारे काफी लोग मारे जा चुके, पर आप जैसे ईमानदार ऑफिसर का पुलिस डिपार्टमेंट में होना जरूरी है ताकि उन्हें जवाब दे सके। सर, कमिश्नर साहब हमेशा ये बात कहा करते थे कि पुलिस वाले ईश्वर का अवतार होते हैं। सर, आपको ये बात सच करके दिखा। गोली ब्रह्मा को चकमा दे के पैदा हुआ हूं, इसलिए यम की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं होगा।
मैं ब्रह्मा को चकमा देकर पैदा हुआ, यम भी मुझसे डरता है। जो इंसान खुद को ईश्वर मानता है, इस तरह से ही उस शैतान का सर्वनाश होता है।